వ్యాపార వర్గాలతో భేటీ అనంతరం కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था जब मिलेगी तो जरूर वहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. तो मेरी तो उम्मीद यह है, यकीन यह है कि जरूर हैदराबाद में ईस्टर्न पार्ट में आप आगे आने वाले एक दो साल में आप आईटी पार्क देखेंगे. मैं कोमपल्ली में भी एक आईटी पार्क इनॉग्रेट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर भी एक आईटी पार्क बना रहे हैं. और जो सदर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद है, जो हमारे पहाड़ी शरीफ के पीछे वाली इलाका जो है एयरपोर्ट की तरफ जो है, वहाँ पर भी हम लोग दो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो अमेजोन आया था, अमेजोन वेब सर्विसेज, वो वहीं पे लगा रहा है पैसा. तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वी आर कमिटेड टू टू थिंग्स. वी आर कमिटेड टू डीकंजेस्टिंग द सिटी ऑफ हैदराबाद. उसके लिए दो चीज़ करना जरूरी है, एक तो डिस्पर्शन में ग्रोथ होना चाहिए और दूसरा हम लोग एक नया पॉलिसी भी लाए हैं. इसमें अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमने एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी हमने लाया, इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ. क्या है इंटीग्रेटेड टाउनशिप? इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब यह है कि अगर आप कोई टाउनशिप बना रहे हो तो उसमें लिव, वर्क, लर्न, प्ले, इस सारे चीज़ों का सुविधा होना चाहिए. तो टाउनशिप सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए. तो इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पूरा आउटर रिंग रोड के चारों तरफ. तो आउटर रिंग रोड के 5 किलोमीटर बाहर अगर आप टाउनशिप अगर बनाओगे तो एनीबडी यू कांट अफोर्ड अ विला और अ फ्लैट इन हैदराबाद, दे कैन गो देयर एंड लिव देयर. दे कैन कम्यूट इधर इनसाइड द टाउनशिप और इफ दे हैव टू कम्यूट इन टू हैदराबाद ऑल्सो दे कैन कम एंड गो. सो आइडिया इज टू डीकंजेस्ट द कोर सिटी, क्रिएट काउंटर मैग्नेट्स अराउंड ORR सो दैट द कोर सिटी इज डीकंजेस्टेड एंड पीपल ऑल्सो हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग. सो दीज आर द टू थिंग्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, इट विल इम्प्रूव यू नो द ग्रोथ ऑल अराउंड हैदराबाद. एंड इफ यू लुक एट लाइफ साइंसेज ऑल्सो, आज हैदराबाद पूरा दुनिया का वैक्सीन कैपिटल है. आज हम लोग कोरोना के टाइम पे हैं, बहुत सारे लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं. कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे वैक्सीन के बारे में. आज शायद पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे पता है, हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन कैपिटल है. पूरा दुनिया में जितना वैक्सीन बनता है उसमें से 1/3 हमारे यहाँ बनता है. अगर आज दुनिया में कहीं भी एक बच्चा अगर उसको वैक्सीन शॉट दिया जा रहा है उसमें 1/3 चांस है, 33% चांस है कि वो हैदराबाद में बना हुआ. सो इतना मतलब चुस्ती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन और बायोलॉजिकल और बायोटेक एरिया में भी और फार्मास्यूटिकल्स में भी. लाइफ साइंसेस, आईटी और एरोस्पेस इन इंडस्ट्री, आई सी ए ग्रेट फ्यूचर. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद, इन एंड अराउंड हैदराबाद. और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस तो है, दीज फोर थिंग्स आई एम वेरी अपबीट. सो आई टेक द क्यू फ्रॉम द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट. So you were talking about decongestion in Hyderabad and decentralized development across Hyderabad. So this is the city scenario. Do we take this in the state scenario as well? Eppudu urbanization gurinchi maatladutuntamu, Hyderabad centric e maatladutuntamu. So mee vision lo Telangana mottamlo kuda decentralized development, decongestion from ante Hyderabad nunchi ekku pressure padaku. EV updates, keep watching Prime 9 News.